Hello students of class 7th, hope you all are safe at home. Today we are going to start lesson number 4, the ashes that made trees bloom. तो ashes क्या होता है? राख होता है, that made trees bloom, जिससे कि trees जो हैं वो खिल जाएं और वो अच्छे से जो है उसमें flowers जो हैं खिल जाएं उसमें. तो ये जो है lesson इसी के बारे में है. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. The neighbors and troublesome, and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. तो ये जो story है ये एक couple के बारे में है. Husband wife थे और उनका एक pet था dog जो कि बहुत अच्छा था. और उनके जो neighbors थे, उनके जो घर के पास रहते थे नेबर्स जो थे, वो उनको बहुत परेशान करते थे. और डॉग की डेथ हो गई थी बहुत बुरी तरह से, और उसका जो डॉग का स्पिरिट था उसने कैसे अपने मास्टर को हेल्प की और कैसे उनको एक बहुत अमीर आदमी बना दिया. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमियोज there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushion of blue crepe, and at meal time Muko, for that was its name, would sit on it as a snug as any cat. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. तो बहुत दिन की बात है, ये जो थे कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, उनके पास एक छोटा सा डॉग था. उनके पास कोई बच्चा नहीं था तो वो इसे जो डॉग था इसको ही ऐसे प्यार करते थे जैसे कि उनका अपना बच्चा हो. और उसको वो बहुत ध्यान रखते थे, उसके लिए कुशन बनाया हुआ था, उसको टाइम पर खाना देते थे और उसको अपने ही चॉपस्टिक से वो फिश वगैरह देते थे, बॉयल्ड राइस, जस्ट जो भी वो मांगता था, जो वो चाहता था वो उसे देते थे. डॉग जो है वो डम्ब होता है, वो बोल नहीं सकता है, बट वो फिर भी उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते थे. द ओल्ड मैन बींग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद हो एंड स्पेड इन टू द फील्ड्स वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेन टू सामा एज द सन इज कॉल्ड हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स. तो ये जो थे ओल्ड मैन था, वो जो थे वो एक राइस के फार्मर थे, वो राइस की खेती करते थे, चावल उगाते थे. तो वो डेली जाते थे अपने फील्ड्स में सामान लेकर, और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे. सुबह से लेकर शाम तक वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, और जब तक कि सूरज डूब नहीं जाता था, रात हो जाती थी, बिल्कुल छिप जाता था हिल्स के पीछे, उसके बाद वो अपने घर वापस आते थे. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हिरोन दैट वॉक्ड इन द फूट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स, फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेटेंट एंड kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. तो ये जो थे वो, क्योंकि वो चावल उगाने वाले किसान थे तो हर रोज कुदाल और फावड़ा लेकर सुबह कौवे की आवाज़ सुनकर वो चले जाते थे और सूरज ढलने तक वो खेतों में काम करते थे. हर रोज कुत्ता जो था उनका, डॉग जो था, वो उसके साथ काम पर जाता था बिना किसी, वो जो बगले थे वहाँ पर, उसको किसी, वहाँ पर सफ़ेद बगले थे होते थे खेतों में, तो वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते थे. और किसान के कदमों के निशान पर चलकर जो वो कीड़े वहाँ पर ढूंढता रहता था और किसी को भी वो नुकसान नहीं पहुँचाता था. वह जो वो बूढ़े थे वो बहुत दयालु था और इसीलिए वो पक्षियों को भी भोजन दिया करते थे. One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing with and did not mind it, but the dog kept on whimpering
winning and running and to and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching thing. So, thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, the old man struck his hoe in the earth when lo, a pile of gold gleamed before him. एक दिन कुत्ता उसके पास दौड़ता हुआ आया, अपने पैरों को उसके पैरों पर रखते हुए और अपने सिर को हिलाते हुए उसने थोड़ा सा इशारा किया। बूढ़े आदमी ने सोचा कि ये जो है पालतू कुत्ता है और ये मेरे साथ खेलना चाह रहा है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो बार बार ऐसे इशारे करता रहा, चक्कर लगाता रहा उसके पास, उनके भागता रहा, जो फिर बूढ़ा जो था फिर वो कुछ समझा और उसके पीछे पीछे वो चला गया। एक जगह जाकर उस कुत्ते ने कुछ कुरेदना शुरू करा, तो जो ये बूढ़े आदमी थे उन्होंने सोचा कि शायद वहाँ पर कोई हड्डी दबी हुई है या कोई मछली का टुकड़ा है जो वो खाना चाह रहा है। लेकिन फिर बूढ़े आदमी ने जब अपने कुदाल को ज़मीन में मारी तो उसने अचानक देखा कि वहाँ पर एक जो है सोने का ढेर उसके सामने चमकने लगा। Thus in an hour the old couple were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. So, इस प्रकार वो बूढ़ा जो था उसने एक ही घंटे में बहुत अमीर हो गया। उन्होंने सभी को लोगों को बुलाया और उन्हें खाना खिलाया और सभी दोस्तों को उन्होंने दावत दी और जो पड़ोसी थे उन्हें भी उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ दिया। जो उनके पास कुत्ता था उन्हें भी वो बहुत उसके साथ वो बहुत दयालु थे और उसके साथ उसका बहुत ध्यान रखते थे। ओके स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग हियर, वी विल स्टडी इट आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू।